हेलो एवरीवन, वेलकम टू अलिभा किचन। आज मैं मुगलाई पनीर बनाने वाली हूँ। चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं प्याज ली हूँ और उसको मीडियम साइज में कट कर रही हूँ। मैंने यहाँ 3 प्याज ली हूँ। और अब मैं एक टमाटर ली हूँ और उसको भी मीडियम साइज में कट कर रही हूँ। और अब मैं पनीर को ट्रायंगल शेप दे रही हूँ। मैंने यहाँ 1/2 किलो पनीर ली हूँ। और अब मैं पैन में 2 चम्मच ऑयल डाल रही हूँ। उसके बाद मैंने कटे हुए अदरक डाल रही हूँ और प्याज। और दोनों चीज़ें हाफ फ्राई हो चुकी है। अब मैं टमाटर को डाल रही हूँ। उसके बाद मैंने 50 ग्राम काजू डाल रही हूँ। और इन सभी चीज़ों को सॉफ्ट होने तक अच्छे से पका लूँगी। और अब मैं उसमें 1/2 ग्लास पानी ली हूँ। अब हमारे सारी चीज़ें पक चुकी हैं। मैं उसको ठंडे होने के लिए रख दूँगी। और अब मैं और एक पैन में 2 चम्मच ऑयल ली हूँ। और अब मैं पनीर को सेलो फ्राई कर लूँगी। अब हमारा पनीर सेलो फ्राई हो चुकी है। अब मैं मिक्सी में हमारे मसाले को डाल रही हूँ और मैं उसको अच्छे से ग्राइंड कर लूँगी। अब हमारे मसाले अच्छे से ग्राइंड हो चुका है। अब मैं कढ़ाई में 3 चम्मच ऑयल डाली हूँ। उसके बाद मैंने 1 चम्मच जीरा डाली हूँ, 2 तेज़पत्ता, और उस दोनों को थोड़ा सा फ्राई कर लूँगी। थोड़ा सा फ्राई होने के बाद मैंने लाल मिर्च डाली हूँ 4। और उसके बाद मैंने मसाले के पेस्ट को उसमें डाल रही हूँ। और उसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। उसके बाद मैंने 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर डाली हूँ, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, और 1 चम्मच पनीर मसाला डाली हूँ। और इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। और उसके बाद मैंने स्वाद अनुसार नमक डाली हूँ और 1/2 कटोरी मलाई डाली हूँ। और उसको अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। अब हमारे मसाले अच्छे से भून चुका है। मैं इसमें पनीर को डाल रही हूँ और अच्छे से मिला रही हूँ। अब हमारे मुगलाई पनीर अच्छे से बनकर तैयार है। आप भी इस तरह मुगलाई पनीर एक बार ज़रूर बनाना और मुझे कमेंट में बताना कैसा लगा। और मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। जय मां सोमली।